सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए गले का एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर के आया हूँ। ये जो हम डिजाइन तैयार करेंगे पंजाबी कुर्ती में तैयार करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास पंजाबी सूट है और ऑल ओवर सूट है ये। इसमें जो नीचे ये दामन का वर्क हो रखा है, जो पल्ले का वर्क हो रखा है, इसी को मैच करते हुए हम यहाँ पे नेकलाइन तैयार करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे घेरा जो है ये तो हैवी है, लेकिन जो कुर्ती का फ्रंट है ये बिल्कुल प्लेन है। तो यहाँ पे ये प्लेन कुर्ती का जो फ्रंट होता है, ऊपर से नेकलाइन हम उसकी हैवी कैसे तैयार करें, आज मैं आपको ये आइडिया दूंगा। तो इसे डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक तो एंकर का धागा लिया हुआ है, एक ये गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया हुआ है जो कि हमारे वर्क से मैच कर रहा है। एंकर का धागा और गोल्डन कलर का कपड़ा, इसी से मैच करते हुए हम यहाँ पे नेकलाइन तैयार करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कटिंग करनी है नेकलाइन की। तो ये है मेरे पास बुकरम, इसमें जो हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे 6 इंच रखेंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और जो डीप लेंथ रखेंगे ऊपर की आएगी हमारी यहाँ पे 6.5 इंच और नीचे तक आएगी ये तकरीबन 8 इंच। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले निशान से सिंपल सी एक राउंड शेप यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं इस तरीके से। इसके बाद हमें जो नीचे रखना है ये कट, ये हल्का वी में रखेंगे हम इस तरीके से, हल्का सा इस प्रकार वी में रखेंगे। और इसके बाद हम बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे सेंटर पॉइंट से, ये लगाएंगे 1.5 इंच का। और इसको निशान को हम सीधा इस तरीके से कर लेंगे। अब ऊपर से जितनी लेंथ आपने डिजाइन की रखनी हो उतनी यहां पे डिजाइन की लेंथ रखें। जैसे मैंने यहां पे 12 इंच रखनी है तो हम 12 इंच पे निशान लगाते हुए इसको ऐसे राउंड शेप में डाल देंगे इस तरीके से। हमने ये कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम यहां पे जो कटिंग करेंगे इस निशान के ऊपर कर लेते हैं। अब हम यहां पे कटिंग कर लेंगे। और एक निशान हम बाहर की साइड 0.25 इंच का ऐसे लगाते हैं और ऊपर ये थोड़ा चौड़ाई में ज्यादा रखेंगे क्योंकि हमें ऊपर की साइड भी एक पट्टी लगानी है ऐसे। तो ये दोस्तों हमारी नेकलाइन होगी, बीच का ये कट हम ऐसे डाल देंगे इस तरीके से। ये हमारी गोल्डन पट्टी आएगी यहाँ पे और इसके ऊपर ही हमें काम करना है। और यहाँ पे हमें एक पट्टी कटिंग करनी है पूरी राउंड शेप वाली, तो जो ऊपर से हमें पट्टी वो भी हम बुकरम की लगाएंगे। तो जो ये हमारा नेकलाइन बचती है ये वाली, इसी को रखते हुए हम यहाँ पे ये पट्टी कटिंग कर लेंगे। सिंपल सा जैसे सिंपल नेकलाइन कटिंग करते हैं वही तरीका होगा यहां पे कटिंग करने का। तो इसके बाद जितनी चौड़ाई हमें रखनी होती है, जैसे हम यहां पे रखेंगे तकरीबन 0.5 इंच, अगर आपको चौड़ी रखनी हो तो चौड़ी भी रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है।
इन निशानों को भी हम एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ लेंगे। इस पट्टी में दोस्तों बिल्कुल भी फर्क ना आए, ध्यान रखें। चौड़ाई इसकी कम ज्यादा रख सकते हो, लेकिन अगर फर्क आ जाएगा तो ये इसकी ग्रेस खत्म हो जाएगी। पौना इंच से मैंने हल्की सी इसकी चौड़ाई बढ़ा दी है। ये जो पट्टी आएगी हमारी कुछ यहाँ पे इस तरीके से आएगी, ऐसे ऊपर से, और ये बिल्कुल फिक्स रहेगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। और हल्का सा ये कट आएगा यहाँ पे नजर, ये जब तैयार हो जाएगी नेकलाइन तो ये कट नजर जरूर आएगा। तो दोस्तों इसको तैयार करने के लिए अब हम इन नेकलाइन को पेस्ट कर लेते हैं। ये ऊपर वाली सेम कपड़े के ऊपर पेस्ट होगी क्योंकि ये ऊपर से आएगी और इसके दोनों साइड पाइपिंग लगेगी। ये वाला जो पीस होगा हमारा, ये पैच जो होगा ये हमारा गोल्डन होगा, और ये वाली नेकलाइन होगी ये हम अस्तर के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों सभी नेकलाइन हमने यहाँ पे पेस्ट कर ली है। ये हमारी जो अंदर की साइड फोल्ड होगी ये वाली नेकलाइन, और ये ऊपर से पट्टी लगेगी जिसपे हमें पाइपिंग लगानी है, और ये पैच लगेगा यहाँ पे जिसपे हमें एंकर के धागे का काम करना है। अब हमें मशीन के ऊपर चलना है और सीखना है इसको बनाने का तरीका। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हम सिंपल तरीके से ये वाली नेकलाइन यहाँ पे फ्रंट में कर लेते हैं तैयार। जैसे राउंड नेक किया जाता है, कोई भी नेक किया जाता है, ऐसे ही हम इसको तैयार कर लेंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से एंकर का धागे का काम हमने कर लिया है कंप्लीट। हमने इसी वी कट में यहाँ पे सिलाई लगाई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हमें इस पैच को तैयार करना है, तो नीचे की साइड हम कोई भी अस्तर या कोई भी कपड़ा रख लेंगे और ऐसे रखेंगे इस पीस को और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस साइड से। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी होती है। सेंटर में कट लगाएंगे सिलाई के नजदीक तक, ध्यान रहे सिलाई ना कटे। अब हम इसको पलट लेंगे। अब इसको हम प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। दोस्तों प्रेस से हमने इस पैच को अच्छे से सेट कर लिया है। बाहर की साइड ऐसे निशान लगा लेंगे क्योंकि हमें सिलाई लगानी है जहां तक बुकरम होती है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको काट देंगे, आधा इंच छोड़ेंगे। अटैच हो गया है रेडी। अब हम इसको फ्रंट में करेंगे अटैच। तो यहां पे बिल्कुल बराबर रखेंगे सेंटर पॉइंट बनाते हुए, और जो पाइपिंग वाली सिलाई है उसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तरीके से पैच हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन होता है यहाँ का, ये हम कटिंग कर देंगे ऐसे। अब हम ऊपर की जो नेकलाइन हमने कटिंग की हुई है ये वाली, ये तैयार करेंगे पाइपिंग लगाते हुए, फिर इसको अटैच करेंगे यहाँ पे। इसमें दोस्तों पाइपिंग रेडी करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम इसके अंदर से कटिंग कर लेते हैं बुकरम के साथ साथ। अगर हल्का फुल्का कपड़ा रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फोल्ड हो जाता है। अब हम ओरे वाली पट्टी लेंगे, जैसे मैंने पहले ली थी ऐसे ही वही पट्टी होगी। उसी तरीके से रखते हुए यहाँ पे पाइपिंग के लिए सिलाई लगानी होती है बुकरम के ऊपर, तो यहाँ पे बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे। जितनी चौड़ाई से भी आपको पाइपिंग निकालनी है उतनी चौड़ाई की सिलाई लगाते हैं।
कहीं पे अगर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लगता हो तो उसको कटिंग कर दें। अब हम जो कपड़ा है पाइपिंग वाला, इसको फोल्ड कर लेते हैं अंदर की साइड ऐसे, और पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी सी पाइपिंग निकल के आएगी गोलाई वाली। तो दोस्तों ये हमने राउंड नेक में पाइपिंग निकाल ली है। अब हमें बाहर की साइड ये सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर लगाएंगे और किनारी पे हमारी सिलाई आनी चाहिए, जो ये किनारी के ऊपर सिलाई आनी चाहिए और नीचे का पोर्शन ये रहेगा। इस तरीके से ये पट्टी बैठ चुकी है पाइपिंग वाली। अब हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पे बुकरम के साथ साथ। इसमें आपने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना है, क्योंकि इस साइड में भी हमें पाइपिंग लगानी है। अब हम इस साइड भी पाइपिंग निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे भी और रेड की पट्टी ली है। इस बार हमने एक साइड से इसको पक्की लब कर लिया है, मतलब फोल्ड कर लिया है। इसको यहाँ पे नीचे साइड ऐसे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे नेक लाइन कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी जो बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई है उसी के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए पट्टी हमने लगा ली है पाइपिंग वाली। अब इसको हम सीधी साइड में इस तरीके से पाइपिंग निकालेंगे और ये पट्टी हमारी अंदर की साइड चली जाएगी कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे भी पूरी फिनिशिंग के साथ में ये पाइपिंग निकलेगी, जैसे आप देख रहे हो ऐसे। अब हम पाइपिंग के साथ साथ यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, या इसको प्रेस से सेट कर लें और बाद में ऊपर से सिलाई जब हम गले में लगाएंगे तब भी लगा सकते हैं। देखिए राउंड शेप में हमने पाइपिंग दोनों साइड में कंप्लीट कर ली है और नीचे की साइड भी पक्की लब रहेगी, कोई धागा वगैरह नहीं निकलेगा। अब हमारा जो ये नेक है ये सिंपल, ये हमें अटैच करना है फ्रंट में। तो यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट में रखेंगे इस तरीके से ऐसे, और ये हल्का सा हमारा वी कट जो आएगा तो बहुत ही प्यारी लुक देता है, बहुत ही प्यारा स्टाइलिश नेक लगता है ये वाला। इस तरीके से हम यहाँ पे हाफ हिस्सा इस साइड से ज्वाइंट करेंगे और सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना होता है।
इसी तरीके से इस साइड से ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोस्तों एक साइड की मैंने आपको सिलाई यहाँ पे लगा के दिखाई थी, सेम उसी तरीके से हमने बाहर की साइड ये वाली सिलाई भी लगा ली है और बाहर वाली सिलाई भी अपनी कंप्लीट कर ली है। सिंपल से कपड़े के साथ में हमने बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे घेरे के साथ मैच करते हुए ये डिजाइन बना करके दिखाया है आपको, और आप देख ही रहे होंगे घेरे का जो वर्क है उसी से हमने गोल्डन यहाँ पे कपड़ा लेते हुए ये डिजाइन बना करके दिखाया है। तो दोस्तों प्लेन अगर ऊपर से आपकी नेकलाइन भी कुछ इस तरीके से हो, जैसे फ्रंट ये वाला था, तो आप इस तरीके की नेकलाइन यहाँ पे बना सकते हो जो कि बहुत ही सुंदर सी है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।